नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र सिंह ठाकुर आपका सिविल तैयारी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लेकर के आए हैं आपके लिए दिल्ली कांस्टेबल एग्जाम्स के प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चंस, जो आपको आपकी आने वाली एग्जाम में अनुमानतः क्वेश्चंस देखने के लिए सहायक होगा। दोस्तों, समय को ना खराब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों, बार से संबंधित क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू हमारे सामने दी हुई है दोस्तों। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1.234 बार और वाई की वैल्यू दी हुई है 4.321 बार। हमें पता करना है एक्स प्लस वाई को भिन्न के रूप में। तो दोस्तों, एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो 1.234 बार प्लस 4.321 बार। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं 1 प्लस 2 3 4 अपॉन, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी संख्याएं नीचे 9 के रूप में लिखी जाती है, प्लस के साथ 4, फिर प्लस पॉइंट हटाएंगे, बार हटाएंगे, 3 2 1 अपॉन में उतनी ही संख्या 9 के रूप में होगी। दोस्तों, 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 5, प्लस के साथ 9 9 9 हमारे पास एलसीएम के रूप में। इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास मिलता है 5 5 और 5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई मान लीजिए हम 5 में करते हैं तो 5000, और 5000 में से हम 5 को घटा देते हैं तो हमारे पास बनता है 4995 प्लस 5 5 और 5, फिर बचता है एलसीएम में कितना, 9 9 और 9। आंसर के रूप में हमारे पास यहाँ पर आता है, इनको सभी को जोड़ते हैं तो 0 बनता है हमारे पास 1 6 6 और 9 5, फिर बचता है अपने पास 5 6 6 और 9, फिर हो गया है 5, और ये लास्ट में फिर से 5 बचता है, लास्ट में 9 9 9 भिन्न के रूप में आंसर कुछ दिया हुआ है। इस प्रकार से ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन है हमारे पास। 3 कमीज और 2 पतलून, ये रहा 3 कमीज और 2 पतलून की कीमत कितनी है, 950। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 3 कमीज है और पतलून कितनी है, 2 है, जिनकी कीमत कितनी पड़ रही है, 950 इन दोनों की। फिर हमारे पास नीचे क्या है, 2 कमीजें, ये लो 2 कमीजें, 3 पतलून, ये 3 पतलून की कीमत कितनी है, 1050। बताना किसकी है, 4 पतलून की कीमत और 5 कमीजों की। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इन आंकड़ों को बराबर करना होता है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा बन जाता है यहां पर 6 4, और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 से यहां कितना हो जाता है मेरे पास, 19। इसको अलग से बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 9, और 3 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3150। अब दोस्तों, ये 6 6 तो यहाँ पर 6 6 इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 4 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, और इस 5 के कारण यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो हमारे पास यह डिफरेंस हो रहा है 1250 का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, तो 1 की वैल्यू होती है यहाँ पर 2 5 और 0। क्लियर है दोस्तों। फिर यहाँ पर 1 की वैल्यू 2 5 0 है तो यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1000। अब 1000 की यह आ गई है तो बाकी जो 6 है वो कितने की आई,
900 की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि यह 6 है, कितने की, 900 की। अब 6 900 की है हमारे पास, तो एक की कीमत क्या होगी, तो एक की कीमत होगी हमारे पास 150। तो यहाँ पर आ गई है हमारे पास एक की कीमत 150, और यहाँ पर आ गई है हमारे पास एक की कीमत 250। ये लिख देते हैं, कमीज की कीमत कितनी है 150, और पतलून की कीमत है 250। अब कितनी, तो चार पतलून, मतलब चार पतलून कितने की, 150 की, तो चार कितने की, 1000 की, और पांच कमीज, तो एक कमीज 150 की है, तो पांच कितने की हो गई, पांच हो गई हमारे पास 750 की। आंसर कितना, 1750 दोस्तों। इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में एक्स वाई वह सब लिखने में समय ज्यादा खराब होता है, तो हमने डायरेक्ट इसे ऐसे करा है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पांच के पहले पांच धनात्मक गुणज, अब पांच धनात्मक गुणज मतलब जो पांच से गुणज हो, तो 5, 10, 15, 20 और 25 क्या बताना है, औसत संख्याएं कितनी है, 5 है, तो सबको जोड़ करके किससे भाग दे देंगे, 5 से, सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, तो 25 और 5 ये हो गए 30, फिर ये हो गए 30, 60 और 60 और 10 70 और 5 75 / 5, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, 50। ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक की बात हो रही है, कितने की, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज। अब 10% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक के लिए कितना प्रतिशत, 5%। ये लो सीधे सीधे दर पर 8000 रुपए की राशि उधार ली, एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। अब देखिए 6 महीने में 5% लग रहा है, 5% लग रहा है, पैसे लिए थे 8000, 6 महीने में पहले 5% लगा, मतलब इसका 5% कितना, तो 400। फिर से लगेगा 6 महीने बाद, तो इसका लगा 400। अब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज का ब्याज भी लगेगा, तो इसका भी कितना, 5%, तो 5% इसका कितना, 20। टोटल कितना हो गया, ये रहा आंसर हमारे पास। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, फार्मूले से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 2+1 इस प्रकार से, 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू कितनी है, 400 है, फिर इसकी 5% की वैल्यू कितनी है, 20 है, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक प्रकार ये भी है इसका। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है, मतलब अगर वो वस्तु 100 की है तो वो वस्तु कितने की हो गई, 40% छूट के बाद 60% की। वह पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की हुई कीमत पर 10% की एक और छूट प्रदान करता है। अब इसमें 10% की और छूट दे दी, तो 60 का 10% 6 होता है, 6 गया, बचा कितना, 54। 100 के अंदर आने वाले ग्राहकों को 1000 रुपए की वस्तु कितने की पड़ेगी, तो जो 1000 की वस्तु थी, 1000 का 54% मतलब 540 में पड़ेगी, ये रहा 540। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 1000 है, ये 100% की वैल्यू है, हमें निकालनी किसकी है, 54% की। ये आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। पहला, दूसरा और चौथा अनुपात, मतलब 15, 25 और चौथा, चौथा मतलब ये वाला 75, हमें कौन सा पता करना है, ये तीसरा वाला पता करना। अब इसमें क्या है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई,
और मल्टीप्लाई इनका होता है, और काटना हो तो हम इन संख्याओं को काट सकते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं पहले ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से लिखते हैं इसे। अब देखिए, अब काटने के लिए हम दूसरे नंबर और चौथे नंबर की संख्या को काट सकते हैं, ये एक बार और ये तीन बार। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये एक्स हो गया अपने पास कितना 45, तो तीसरी संख्या क्या हो गई 45। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई करना हो तो पहली और चौथी में, और संख्याएं कटेगी तो चौथी से दूसरी। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। वो बोल रहा है निकिता को एक टेबल फैन को 840 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। मतलब ये जो 840 है यह किसकी वैल्यू हुई, 120 की। तो पहले तो यह निकाल लो किसने ये खरीदा कितने में, तो 100% में ये खरीदेगी कौन, निकिता। क्लियर। अब इसका 100% कितना, तो ये देख लो 12 से काट देंगे सीधे सीधे, कितनी बार, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, निकिता ने बेची जरूर 840 में लेकिन खरीदी कितने में 700। एक दीवार घड़ी को 1008 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ। मतलब अब यहां पर जो 1008 है इसको बेचने पर 12% का लाभ, तो ये वस्तु पहली बात तो है कितने की, 12% का लाभ, मतलब खरीदी 100 में, तो 12 का लाभ तो कितना हो गया 112, तो ये खरीदी कितने में, तो 112 से ये सीधे सीधे कट रहा है क्या, नहीं काटते बन रही है तो 2 से काट सकते हैं। क्लियर है, और अगर ऐसे काट सकते हैं तो बिल्कुल सही है, पहले चेक कर लो इसे 9 बार में जा रहा है क्या, ये बिल्कुल जा सकता है, 9 बार में कैसे नहीं जा सकता है, तो देखना 100 का पहाड़ा जब मैं 9 बार पढ़ता हूं तो 900 तो तैयार बैठा है, फिर 12 का पहाड़ा 9 बार पढ़ता हूं तो 108 भी तैयार बैठा है, तो टोटल कितनी बार गया ये 9 बार, तो हमारे पास ये वस्तु कितने में खरीदी इसने 900 रुपए में, तो देखना टेबल फैन कितने में खरीदा, लिख देता हूं मैं यहां पर फैन, और दूसरा क्या था घड़ी, ये घड़ी कितने में खरीदी उसने 900 में। फिर आगे बढ़ते हैं, वह टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है, ये टेबल फैन है, अब उसको वो बेचना चाहती है 980 रुपए में, कितने में 980 रुपए में बेचती है। उसे दीवार घड़ी को कितने रुपए, कितने न्यूनतम कीमत पर बेचना होगा ताकि दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना, लाभ भी नहीं चाहिए नुकसान भी नहीं चाहिए, तो देखो उसने खरीदा 700 में और 900 में, टोटल कितना हो गया 1600 रुपए उसने उसकी जेब से खर्चा करे, 1600 खर्चा करे जिसमें से 980 तो उसके पास आ गए। क्लियर। अब और उसको कितने चाहिए, तो 600 और 20, ये तो 620 रुपए उसको और चाहिए। क्लियर है बाप, 620 रुपए में उसको क्या करेगी, वो बेच देगी, किसको बेच देगी, घड़ी को बेच देगी, तो यहां पर 980 तो आ गए थे, 620 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए 1600। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। एक्स वाई जेड, ये लिख दिया एक्स वाई जेड, एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करता हो, प्रत्येक एकांतर दिन में मतलब यह है कि एक दिन छोड़कर, अब यहां पर देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना 60 आता है अपने पास, एलसीएम दिन के, एक दिन के काम करने की क्षमता एक्स की 6, वाई की आ गई है 3 और जेड की आ गई है हमारे पास 2। क्लियर है दोस्तों, इसके बाद एकांतर दिन में काम करना है किसको, एक्स को, किसकी सहायता से, वाई और जेड की, तो हम एक्स अगर अकेला काम करता है तो 6 और Y और Z काम करते हैं एकांतर दिन में, ध्यान से लाइन सुनना, X, Y और Z की सहायता से
प्रत्येक एकांतर दिन में एक दिन छोड़ के। तो देखते इसे चेक कर लेते हैं हम जरा सा कि यह दोनों रूप में कैसे बोल रहा है, कि एक रूप तो यह बोल रहा है कि एक दिन एक्स काम करे, फिर दूसरे दिन एक्स वाई और जेड काम करे, और एक रूप इसका यह भी बोल रहा है कि एक्स वाई के साथ काम करे और दूसरे दिन एक्स जेड के साथ काम करे। तो हम चेक करते हैं, इसके साथ काम अकेला काम करेगा तो एक दिन में छह, और तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो गया है, 11। तो एक्स सेट पे कितना काम हुआ है, लगभग 17 काम हुआ है। इस पर भी देख लो, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक सेट पे 9 और दूसरे सेट में 6 और 2 8, टोटल कितना एक सेट में काम, ये भी 17 हुआ है। लेकिन बात यह है कि काम यह पूरा कराना है तो लास्ट में चेक होगा, तो 108 पर देखते हैं अपन 17 से भाग दे करके तो हमें मिलता है 17 51। 2 का एक सेट बनाया था तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 दिन तो ऐसे ही हो गए। अब क्या बचा, तो 6 दिन होने के बाद हमारे पास बचते हैं 9 काम और कराना है, क्योंकि 51 काम हो चुका है। 9 काम और करने के लिए कौन आता है, पहले ए आया तो 6 काम करा, तो 6 काम कर दिया है मतलब टोटल इसमें एक दिन और जुड़ गया तो काम कितना हो गया, 7। अब काम कितना बचा, 3। अब ये 3 काम करने कौन आएगा, ये 11 आएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग एकांतर दिन में एक ये काम करता है पहले दिन और दूसरे दिन में ये दोनों की सहायता लेता है, तो हमारा काम कितने दिनों में निपट जाएगा, 7 सही 3/11। ये रहा ऑप्शन थर्ड वाला, क्लियर। इससे चेक करते हैं दोस्तों, तो बाद में जाकर के 9 और आंसर कुछ अलग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो 6 से हो रहा है और वो स्पष्ट बोल रहा है कि x जो है y और z की सहायता से एकांतर दिन में एक दिन छोड़ के, क्लियर है। तो ये वाली चीज हमारी गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या बोलता है वो, 11, 44, 121, 88 और 1331 का महत्तम समावर्तक कितना है, 11 है। ऐसी कौन सी संख्या जिससे सब में भाग चला जाएगा, 11। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात करना, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है बेलन का आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। अब आधार का क्षेत्रफल इसने डायरेक्ट दिया है कितना, 40, हाइट कितनी दी है, 9 दी हुई है हमारे पास। तो आधार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 360 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन की बात हो रही है। आगे बढ़ते, ये रहा अगला क्वेश्चन, एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो एक दूरी को तय करने में 5 घंटे, 5 घंटे लग रहे 40 की स्पीड से, तो टोटल दूरी कितनी, 200। 2.5 घंटे में उतनी दूरी तय करने के लिए कितनी गति, अरे ये लो खत्म फिनिश, कितने की स्पीड, ये लो। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 6 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को करती हैं 86, मतलब 6 पुरुष और 4 महिलाएं या बोल रहा है, या तो ये या फिर ये काम 6 पुरुष 86 डे में कर सकते हैं और यहाँ पे 8 महिलाएं 86 में। तो बेटा इनके बीच में अगर अपन अनुपात देखें तो 3 पुरुष या 4 महिलाएं आपस में कैसी होगी बराबर, हमें बताना क्या है कि 14 पुरुष प्लस
10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो हम पहले पुरुष को या तो महिलाओं में कन्वर्ट कर लो या महिलाओं को पुरुष में, क्योंकि हमारे पास दोनों में से किसी एक का दिया नहीं आंकड़ा। तो हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि 4 महिलाओं के बराबर 3 पुरुष हैं, तो 4 महिलाओं के बराबर 3 पुरुष हैं तो 8 महिलाओं के बराबर 6 पुरुष और 2 के बराबर 1.5, तो ये हो गया हमारे पास 14 पुरुष प्लस 7.5 पुरुष बराबर। क्लियर? तो देखना यहां पर जो ये 3 पुरुष थे, कितने 3 पुरुष नहीं सॉरी यहां पर जो ये 6 पुरुष थे, ये 6 पुरुष इस काम को 86 डेज में कर रहे थे। हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, 21.5 पुरुष कितने दिन में करे। तो यहां पर देखना जब मैं एक पुरुष की बात करूं तो एक पुरुष इस काम को बहुत ज्यादा दिन लगा देगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मैं बात करूं कि 21.5 पुरुष इस काम को कितने समय में, तो 86 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 21.5, दशमलव हटाता हूं, 0 लगाता हूं, 5 से इसे मैं काटता हूं तो मेरे पास आता है 12, इसे काटता हूं तो आता है 4 और 3, 43 से 86 को काटता हूं तो आता है 2, 12 कम 2 में मल्टीप्लाई करता हूं तो होता है 24 डेज में क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों बहुत विशेष तौर से ध्यान देना कि यहाँ पर अगर पुरुष महिलाएं दो चीजें दी है, महिलाएं बच्चे दिए हुए हैं, बच्चे पुरुष दिए हुए हैं, तो इनमें कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो दो प्रकार हैं हमारे पास उसमें से किसी एक प्रकार पे कन्वर्ट करेंगे और आंसर आसानी से लेकर गए। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई हो तो इसके लिए मैं एक बार और बात कर लेता हूँ कि जैसे 4 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर है तो 10 के लिए बात करूंगा, 4 के लिए 8, 4 से 8 हुई तो यह 3 से 6, 2 और बढ़े तो 2 जैसे ही बढ़े तो यहां पर 1.5 बढ़ेंगे, तो टोटल कितने हो गए 7.5। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन अपने पास। एक सेकेंड, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था अपना, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर भी यह क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।